हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वी एंड साइंस। आज हम देखने जा रहे हैं अ न्यू चैप्टर, हैव यू एवर सीन। ठीक है, हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वार्मिंग अप, क्वेश्चन आंसर, साथ ही में पोयम्स और कंप्लीट इंग्लिश वर्कशॉप को। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट differ in meaning when used in different contexts are called homograph. For example, a temple fair attracts a lots of crowd. Her performance in the test was fair. A rose is a king of flower. The sun rose with a golden glow. कुछ words होते हैं जिसकी spelling तो same होती है, जैसे fair, fair, rose, rose. लेकिन उनका जो meaning है वो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग आता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं होमोग्राफ। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए है कि मंदिर का जो मेला है वो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ाती है। उसी तरीके से हर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट वॉज फेयर, उसका जो टेस्ट में जो उसका परफॉर्मेंस था वो ठीक ठाक था। बी है, अ रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स के जो राजा है वो रोज है। और नेक्स्ट है, द सन रोज विद द गोल्डन ग्लो, जो सूरज की जो धूप है वो बहुत ही सुनहरे चमचमाती हुई सी दिख रही है। ठीक है, तो इन सब का, इन दोनों में अलग अलग मीनिंग है। उसी तरीके से आपको पांच होमोग्राफ्स का लिस्ट बनाना है और उनके दो दो सेंटेंस बनाना है कि वो कैसे दो सेंटेंस में उनका जो मीनिंग है वो अलग अलग आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पांच होमोग्राफ दिए, क्लोज, बैट, फ्लाई, होर्स, प्लॉट, और इनके सेंटेंस यहाँ पे मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने दो दो सेंटेंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। जैसे कि क्लोज का फर्स्ट है शर्ट और बी है नियर। डिड यू क्लोज द विंडोज बिफोर लीविंग द हाउस, क्या आपने घर छोड़ने से पहले खिड़कियां बंद की थी। सेकेंड है नियर, द पोस्ट ऑफिस इज क्लोज टू द बैंक, जो पोस्ट ऑफिस है वो बैंक के नजदीक है। तो यहाँ पे क्लोज में एक फर्स्ट ए में जो है वो क्लोज का यूज हुआ है बंद करने का, और सेकंड जो बी है उसमें क्लोज का यूज हुआ है नजदीक बताने का कि जो बैंक है वो पोस्ट ऑफिस से नजदीक है। ठीक है, उसी तरीके से बी है बैट, बैट का यूज हम एक क्रिकेट के लिए करते, दूसरा एनिमल के लिए करते। जैसे टॉम हैज ए स्ट्रेंज वे ऑफ होल्डिंग हिज क्रिकेट बैट, टीम का टॉम का जो क्रिकेट बैट पकड़ने का जो तरीका है वो बहुत ही अजीब है। और बी है एनिमल, वी ऑफन सी बैट्स इन आवर गार्डन लेट एट नाइट, हम अक्सर रात को अपनी बगीचे में चमगादड़ को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बैट का मतलब होता है बल्ला जिससे कि बच्चे खेलते हैं, और बी में जो है वो बैट का मतलब है कि वो चमगादड़, जो एक जानवर होता है चमगादड़ वो। ठीक है, उसी तरीके से मैंने 3, 4, 5 भी बनाया है और इन दोनों का सेंटेंस भी बनाया है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर टू है, व्हेन वर्ड्स विद द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन आर यूज्ड इन सच वे दैट दे कन्वे मोर देन वन मीनिंग, द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड पन, अ पन इज अ प्ले अपॉन वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि जब हम एक वर्ड्स को उसके स्पेलिंग और उसके प्रोनाउंसिएशन को अलग अलग वे में यूज करते हैं तो उसको एक से ज्यादा मीनिंग बनते हैं, तो उसे हम कहते हैं पन। जैसे कि एग्जाम्पल है ए, हेलो हाउस लाइफ, नमस्ते आपका जीवन कैसा है। उसी तरीके से ए है हेलो इट्स अ स्ट्राइफ, हेलो नमस्ते ये एक संघर्ष है। उसी तरीके से हम इसके एग्जाम्पल्स लेने हैं कि हम किस तरीके से पन का यूज कर सकते हैं, वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ये आप अपने पेरेंट्स या टीचर से भी पूछ के लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे चार एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट है आई यूज टू बी अ बेकर बट आई कुडंट मेक इनफ डक, मैं एक बेकर हुआ करता था लेकिन मैं पर्याप्त आटा नहीं बना सका। ठीक है, उसी तरीके से 2, 3, 4 है, जैसे कि 4 है आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर बट आई डिडंट हैव द पेशेंस, मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन मेरे पास पेशेंस नहीं है। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन पोएट्री व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट टू गेट एन आंसर बट टू एम्फेसाइज अ पॉइंट और फैक्ट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेशन। फॉर एग्जांपल, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, इजंट इट टाइम फॉर द
autumn's glow. From a popular book of poem, the internet, write down 3-4 example of interrogation used in poetry. आपको जैसे कि हमें कोई भी पोएट्री में जो है वो अगर कोई किसी भी सवाल का आंसर नहीं मिलता है तो हम उसको पूछ सकते हैं, जैसे कि इंट्रोगेशन होता है, पूछताछ होती है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसी तरीके से आपको यूज करके पोयम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं. आप उसके लिए जो है वो इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं, डू यू वांट टू बी ए सक्सेस इन दिस वर्ल्ड, क्या आप इस दुनिया में सफल होना चाहते हैं, कैन वी डू बेटर नेक्स्ट टाइम, क्या हम अगली बार बेहतर कर सकते हैं. ठीक है, हाउ कैन यू शार्पन योर शोल्डर ब्लेड, आप अपने कंधे के ब्लेड को कैसे तेज कर सकते हैं. व्हाई डज द सन राइज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो पूरब में क्यों उगता है. ठीक है, तो ये इसका आंसर है. आप अपने से भी इंटरनेट से भी देख करके आप क्वेश्चंस लिख सकते हो. अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा पोयम है, हैव यू एवर सीन. तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कविता है, क्या आपने कभी देखा, ये रोजमर्रा की वस्तुएं और अवधारणाओं की एक छोटी सी खोज है जो कि जो पढ़ने वाले जो है उनको भाषा जो है वो अजीब और मजेदार जो है वो लगते हैं, और उनके बारे में सोचने के लिए ये उन्हें प्रोत्साहित करता है. खेल खेल में जैसे कि पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से कवि जो है वो बहुत ही चतुराई से होमोग्राफ व्यक्तित्व और बेतुके जो जिसका कोई मतलब नहीं होता उसको बोलते बेतुके, उस तरीके के चित्रण का जो है वो उपयोग करता है, ताकि जो हो जो थोड़ा सा आश्चर्य और मनोरंजन की भावना को ला सके. इसमें जो प्रत्येक पंक्ति है वो हमारी धारणाओं को चुनौती देती है और हमें दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से, एक नए तरीके से देखने के लिए प्रोत्साहित करती है. ठीक है, तो हम पोयम देखते हैं. हैव यू एवर सीन अ सीट ऑन अ रिवर बेड और अ सिंगल हेयर फ्रॉम ए हैमर हेड, क्या आपने कभी देखा नदी के तट पर एक चादर या हथौड़े के सिर पर एक अकेला बाल. हैज द फुट ऑफ ए माउंटेन एनी टोज एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज, क्या एक पर्वत के पैर में कोई अंगूठा है, क्या बगीचे की होज की एक जोड़ी है. डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, व्हाई डजंट द विंग्स ऑफ ए बिल्डिंग फ्लाई, कैन यू टैकल द रिब्स ऑफ ए पैरासोल और ओपन द ट्रंक ऑफ ए ट्री एट ऑल, आर द टीथ ऑफ ए रैक एवरी गोइंग टू बाइट, हैड द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट, क्या सुई कभी अपनी आंख मारेगी, एक इमारत का पंख क्यों नहीं उठता, क्या आप छाते की पसलियों को गुदगुदी कर सकते हैं या पेड़ के तने को खोल सकते हैं, क्या एक रेक के दांत कभी काटने वाले हैं, क्या घड़ी के हाथ में कोई दाएं या बाएं है, क्या बगीचे का भूखंड गहरा और अंधेरा हो सकता है. ओके, तो ये पोयम था. तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पोयम है ये एक खेलपुर श्रृंखला में बनाया गया है, प्रश्न को बताया गया है जो कि भाषा और वस्तुओं की विशेषता को उजागर करती है. ये हास्य और व्यक्तित्व का उपयोग करके जो इसको पढ़ने वाले उनको असामान्य तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करती है. जैसे कि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जो निडिल है वो कभी आंख मार सकती है, या जो हैमर है उसके सर पे क्या बाल हो सकते हैं, क्या हम जो सी है, जो रिवर है उसके ऊपर चादर डाल सकते हैं. तो वो इन तरीके के क्वेश्चंस को सोचने के लिए हमें मजबूर करती है. जैसे प्रश्न मानव गुणों को निर्जीव वस्तुओं पर लागू करने के लिए बेवजह की बिना बात का क्वेश्चंस करने के लिए बताता है, और ये थोड़ी बहुत आपको काल्पनिक तरीके से भी सोचने को बताता है. जैसे एक पेड़ है
उसके ऊपर बहुत सारे उसके जो छाल लगे होते हैं उसको क्या हम कभी मतलब उनके उनको उनके छाल को क्या हमें कभी निकाल सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम वो पूछना चाहते हैं, जिससे कि अगर आप भी कभी ऐसे पूछो तो ये आपको बहुत हास्यप्रिय लगेगा, यानी कि आपको बहुत अटपटा सा ये सवाल होता है और ये बहुत मजेदार होता है। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी छोटी जो बातें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान खींचने के लिए इस तरीके का सवाल किया जाता है, जिससे कि वो आपको आपका मनोरंजन भी हो, लेकिन वो एक अलग तरीके से सोचने का एक एक नजरिया देता है हमें। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा पोयम, हैव यू एवर सीन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंग्लिश वर्कशॉप। ठीक है, फ्रॉम ईच लाइन इन द पोयम पिक आउट द वर्ड दैट इज होमोग्राफ, राइट इट्स मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रेज यूज्ड इन द पोयम, देन राइट द अदर मीनिंग इम्प्लाइड इन द क्वेश्चन। जैसे कि हमें यहाँ पे यूज करना है जो जो पोएम्स में जो होमोग्राफ दिए थे उनको यूज करके उनका एक मीनिंग, जो एक्चुअल मीनिंग है वो लिखना है, और जो अदर मीनिंग्स जो जो उन्होंने यूज किया है उसमें हमको उसके बारे में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेंजा जो है वो है बेड, हेड, फुट, होश, आईज, ये सारे वर्ड्स जो है वो हमने अभी पोएम्स में देखे है ना। तो इसका एक मीनिंग क्या होगा, पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का एक टुकड़ा। और इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा, बॉटम ऑफ रिवर सी, यानी कि नदी समुद्र का जो तल है, जो उसका बॉटम है वो। ठीक है, जैसे हेड है तो ये क्या होता है, इसका जो मीनिंग है वो है पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का एक पार्ट है हेड। ठीक है, लेकिन जो पोएम्स में जो इसका मीनिंग जो यूज किया गया वो है टॉप ऑफ ए हैमर, हैमर का जो सर है उसको यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद है फुट, पार्ट ऑफ द बॉडी होती है फुट हमारे, और इसको यूज किया गया बेस ऑफ ए माउंटेन, माउंटेन का जो आधार है उसके उसका जो बेस है उसके लिए यूज किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो आई है, विंग है, रिब्स है, ट्रंक है, टीथ है, हैंड्स है, ये सारे वर्ड्स जो हमने अभी देखे उनका जो मीनिंग जो पोएम्स के अनुसार जो है वो यहाँ पे दिया है, और जो एक्चुअल मीनिंग्स होता है वो यहाँ पे दिया हुआ। जैसे विंग्स है तो पार्ट ऑफ ए बर्ड, बर्ड का वो एक पार्ट होता है उनका, वो जो बॉडी पार्ट के नाम से उसको हम जानते हैं, तो ये दिया हुआ। ठीक है, तो ये मैंने जो आंसर है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, राइट टू लाइंस फ्रॉम द पोयम विच यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस, जस्टिफाई योर चॉइस। आपको पोयम से दो लाइन लेने हैं और उसको जस्टिफाई करना है कि आपको क्यों आपने ये लाइन लिया। जैसे कि फर्स्ट है, डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, क्या सुई कभी अपनी आंख मारेगी। तो हमने इसे इसलिए लिया बिकॉज द थॉट ऑफ पुटिंग द थ्रेड थ्रू इट्स आई विल मेक इट विंक इज फनी। सुई की आंखों से जो धागा डालने का जो बात जो विचार जो आता है वो बहुत, उसको सोच करके बहुत हंसी आती है। सेकेंड है, वाई डज द विंग्स ऑफ ए बिल्डिंग फ्लाई, एक इमारत का पंख क्यों नहीं उड़ता है। तो आप सोच सकते हो कि आप, क्योंकि इमारत को अगर उड़ते हुए अगर हम देखेंगे, अगर हम इमारत को उड़ते हुए अगर हम इमेजिन करते हैं तो ये बहुत मजेदार होगा। आप सोच सकते हो कि कैसे इमारत उड़ेगी तो कितना अलग दिखेगा, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। इसीलिए हमने ये दो पॉइंट्स चूज किए जो हमको बहुत ज्यादा ह्यूमरस लगा, बहुत ज्यादा फनी लगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड फ्रॉम द पोयम थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, तीन एग्जाम्पल्स लेने हैं पोयम से, जैसे कि इंट्रोडक्शन है, पन है, और पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है। ठीक है, इन चारों के तीन दिन एग्जाम्पल्स लेने हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट लिया इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल लिया है, डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, Why doesn't the wing of the building fly? And what is the sound of the birch box? ठीक है, इसी तरीके से मैंने बी सी डी का भी एग्जाम्पल्स लिया है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है, ये जो सारे लाइन्स है ये हमने कहाँ से लिए, ये हमने लिए हैं पोएम से। ठीक है, पोएम्स में ये सारे लाइन्स आपने पढ़े होंगे, ये सारे लाइन्स हमने वहां से ही लिया है। ठीक है, तो आप इसको देख के लिख सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर,
Form groups of 4 or 5. Think, discuss and add at least one more stanza using the same style and devices as the poet has used. It should include homograph, interrogation and the same rhymes and rhymes scheme. ठीक है, आपको 4 से 5 बच्चों का अपने आप का एक ग्रुप बनाना है और आपको एक और ऐसा पैराग्राफ, एक और ऐसा लाइंस जो है वो स्टेंजा जो है वो आपको बनाना है, जो उसी तरीके से जैसे कि हमने जो पोएम्स देखा, पोएम्स में जो लाइंस यूज हो गए हुए हैं उन्हीं सारे लाइंस को यूज करके उन्हीं के जैसा एक और आपको एक छोटा सा लाइन बनाना है जो कि थोड़ा सोचने में, जो कि थोड़ा फनी हो. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए, आप यूज कर सकते हो हैव, डज, आर, इन तीनों का यूज करके. तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्टेंजा बनाया है. Have you ever seen a bow that bends? Does it hold secrets or it is it just friends? Are the stars like eyes that twinkle ever? And do cloud ever dream of the skies they love? क्या एक छंद है उसी शैली में, क्या धनुष की तार कभी गाएगी या दीवार पर कील कभी चिपकेगी? क्योंकि कील को हम क्या करते हैं, उसको हैमर से ठोक के अंदर डालते, उसको चिपकाते नहीं है. क्या कुत्ते की आवाज सुनाई देगी और क्या झाड़ू की धूल कभी खुशी लाएगी? ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए बनाया. आप खुद से भी सोच करके आप अपने जो 4 पॉइंट्स जो है वो आप बना सकते हो. ठीक है, इसमें एक्चुअली हमने जो है जो पॉइंट्स जो वहां पे दिए थे कि आपको होमोग्राफ यूज करना है, आपको इंट्रोगेशन यूज करना है, तो हमने उसी का यूज करके ये 4 लाइंस बनाए हैं. ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट्स टू मेक पन. यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हीं वर्ड्स को हमको बताना है कि ये किस पॉइंट्स के साथ, कौन से नंबर के लाइंस के साथ सुटेबल होगा और एक पन को बनाएगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारे आंसर्स लिख दिए हैं. जैसे कि नंबर 1 में जाएगा डेवलप्ड, ठीक है, 2nd है, 3rd है, नंबर्ड, 2 टायर्ड है, 4th, इसी तरीके से हमने उसको यूज कर लिया है. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है. ये एक पोयम है जिसको आपको खुद से करना है, आपको खुद से पढ़ना है. ओके, तो स्टूडेंट्स हमने अभी इस चैप्टर में देखा कंप्लीट वार्मिंग अप क्वेश्चन आंसर, साथ ही में हमने पोएम्स देखे और इंग्लिश वर्कशॉप को भी कवर किया है. ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, हैव यू थॉट ऑफ द वर्ब हैव. ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. कमेंट करके आप अपने व्यूज जरूर बताएं, साथ ही आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं. अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय.